तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को कार्निश कैसे सीधा करते हैं इसके डिटेल्स वीडियो में बना कर दिखाएंगे आप लोगों को, क्योंकि काफी लोगों को मतलब कार्निश बनाने में दिक्कत हो जा रहा है और भाई लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरा कार्निश जो सीधी नहीं हो रही है। तो उसके लिए क्या प्रोसेस है देख लीजिए। दीवार आप लोग देख सकते हैं कि दीवार बिल्कुल सीधा नहीं है, दीवार आगे पीछे हुआ है वहाँ पे, ठीक है। तो देख सकते हैं पूरा डिटेल के साथ आप लोग दिखा रहे हैं हम कि कार्निश इसमें बना कर हम दिखाएंगे आप लोगों को, बिल्कुल सीधा बना कर दिखाएंगे। इसके लिए क्या प्रोसेस है आप लोगों को हम पूरा स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, ठीक है। इसके लिए ऊपर हम डायरेक्ट प्लास्टर कर देंगे छत को, इसमें चट्टी नहीं लगाएंगे, बिना चट्टी का हम छत को डायरेक्ट प्लास्टर कर देते हैं। आप लोग देखते रहिए, तो जैसे ही देख सकते हैं हमने छत को पूरा प्लेन कर दिया है। छत को प्लेन करने के बाद से इस दीवार में जो नीचे वाली दीवार होती है और चारों तरफ से हम क्या करेंगे चेप्टी लगाएंगे, वो तो छोटा वाला दीवार है उधर सामने से देख सकते हैं, तो उसमें हम चेप्टी नहीं लगाएंगे, बिना चेप्टी का ही कर देंगे उसको। और बाकी ये बड़ा वाला दीवार है इसमें चेप्टी हम लगाएंगे ताकि ये दीवार जो है सीधा हो सके। चलिए हम चेप्टी रख के देख लेते हैं। देख लीजिए दीवार तो ऐसे ठीक दिख रहा है, इधर देख सकते हैं कहीं कहीं जो है मतलब दीवार है टेढ़ी हुआ है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है आपको, लेकिन ज्यादा करके दीवार ठीक है। इसी तरीके से हम चेप्टी इस तरह से करेंगे, मतलब मसाला लगा के इस तरीके से करेंगे हम प्लेन दीवार को, ताकि दीवार बिल्कुल सीधा हो जाए। और दीवार के सहारे से कैसे कार्निश बनाएंगे वो आप लोग को दिखाएंगे पूरा। तो चलिए इसको दीवार को हम चेप्टी से मार देते हैं, सीख कर देते हैं, उसके बाद से हम कार्निश बनाते दिखाते हैं आप लोगों को। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हमने छत को प्लेन कर दिया और दीवार को भी प्लेन कर दिया, ठीक है। ये दीवार जो किया हमने चेप्टी के साथ प्लेन किया है, जैसे आप लोगों को बताया कि किस तरह से चेप्टी करना है आप लोगों को। तो अब आप लोगों को कॉर्निश खींचना है, जैसे कॉर्निश हो गया, ठीक है। ये देख लीजिए, यहाँ पे देखिए आप, ये देखिए दीवार में बिल्कुल फिट हो गया है, देखो हम दीवार में बिल्कुल बराबर हो गया। छत में जो देख सकते हो कि आगा से जो है वहां से थोड़ी सी उठा हुआ है, तो इस साइड से देख सकते हो ऊपर छत में। तो इस तरीके से मतलब दीवारों को आप पूरा बिल्कुल बैठा के चलना है। जैसे दीवार आप लोग यहाँ से दिखा दे आप लोगों को, देखिए जैसे दीवार में बैठ गया, अब इसको एकदम दीवार के साथ बैठा के ही चलना है। देखो आप लोग को दीवार से उठाना नहीं है, बिल्कुल दीवार के साथ इस तरीके से बैठा के चलाना है आप लोगों को। ऐसे एक हाथ से मेरे से चल नहीं रहा है, ये देखिए दीवार के साथ बिल्कुल आपके कार्निश से दीवार में दबा रहेगा और छत में भी दबा रहेगा, दोनों साइड से दाब के चलाना है आप लोगों को कार्निश, बिल्कुल आप लोगों का कार्निश जो है बिल्कुल सीधा होगा, कार्निश कहीं भी दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को, टेढ़ा नहीं होगा, बिल्कुल सीधा होगा आपका कार्निश। देखिए चलिए आप देखते रहिए हम किस तरह से बनाते हैं, आप लोगों को पूरा हम दिखाते हैं कि मेरा कार्निश किस तरह से सीधा हो जाता है और आप लोगों का कार्निश क्यों टेढ़ा हो जाता है। देखते रहिए हम कार्निश को कैसे सीधा करते हैं। जैसे कि आप लोगों को बताया दोस्तों कि छत और दीवार आप लोगों को फार्मा कहीं भी नहीं उठाना है, बिल्कुल फार्मा छत और दीवार के साथ बिल्कुल लेकर सीधा से जाना है। आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरे हाथ पे, हम पूरा आप लोग को दिखाते हैं। जैसे ये फार्मा हो गया और ये छत हो गया, ये दीवार हो गया, इस तरह से फार्मा करके आप लोग ऐसे फार्मा खींचते हो मुझे पता है, इस तरह से देखो कहीं फार्मा आपको ऊपर नीचे नहीं करना है। मैं तो इस तरीके से खींचता हूँ दोस्तों, मैं इस तरीके से खींचता हूँ कागज। चलिए देखिए कार्निश हो गया।
ये देखिए बिल्कुल सीधा कागज, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। कागज को हमेशा साफ करते रहिएगा। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कार्निश जो है बिल्कुल सीधा हो गया है गाइस। तो इसी तरीके से आप लोग कार्निश को सीधा कर सकते हैं। इसको हालांकि थोड़ा सा सफाई मारना मेरे को बाकी है अभी, तो एक बार में मैंने कार्निश जो काफी मतलब लंबा बनाया है, कम से कम ये 7 फीट का कार्निश जो हमने बनाया है एक ही मसाला से, बस इसको थोड़ा सा मसाला लगा के सफाई कर देंगे। और दोस्तों कोई बात नहीं, मान लो कि आप लोग अभी नया नया काम करने वाले हो, आप लोग से पूरा प्रॉपर फिक्स नहीं हो पाता है, अच्छा से नहीं बन पाता है, जो मैं ये ट्रिक बताया ऐसे करना आप लोग, और फिर भी आपका कार्निश जो टेढ़ा होता है सीधा नहीं होता है, तो जहाँ पर टेढ़ा होता है वहाँ पर आप लोग मिला सकते हो मसाला देके और जो गुरमाला के साथ, ठीक है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं, पास से आप लोग को दिखा देते हैं कार्निश, देखिए कहाँ बिल्कुल सीधा हुआ है कार्निश, देख लीजिए। हालांकि थोड़ा सफाई करेंगे तो हम आगे पीछे जो माल अभी कटा हुआ है वो माल बिल्कुल चढ़ जाएगा और कार्निश बिल्कुल सीधा दिखेगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ी सी मतलब यहाँ पे थोड़ी सी मतलब टेढ़ा हुआ है, यहाँ पे भी थोड़ी सी टेढ़ी हुई है, लेकिन जब हम दूसरा का बार माल लगाएंगे तो यहाँ पे माल चढ़ेगा थोड़ा सा या सीधा हो जाएगा। हालांकि दोस्तों आपका जो कार्निश सीधा नहीं हो पाता है जैसे माल चढ़ाने से दोबारा मतलब सफाई करने के बाद से, तो आप लोगों को बताते हैं वो दीवार बिल्कुल या जो छत है बिल्कुल टेढ़ा होगा, ठीक है। उसके जगह पर आप लोग क्या करेंगे, उसके जगह पर आप लोग जैसे सपोज कीजिए कि आपका कार्निश यहाँ पे जैसे मेरा थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है यहाँ पे, तो क्या करेंगे यहाँ पर पीओपी जो छाप देंगे, इस तरीके से मसाला लगा देंगे, इस तरीके से मसाला लगा के, और ये गुरमाला जो है देखिए इस तरीके से बैठाएंगे, फिर उसके बाद इसको उतारेंगे दोनों हाथ से, फिर इसको उतारेंगे, फिर इसको उतार के बिल्कुल थोड़े फिर नीचे उतार के फिर इसको मसाला नीचे कर देंगे, बिल्कुल आपका हो जाएगा कार्निश सीधा हो जाएगा। तो ये ट्रिक आप लोग लगा के कार्निश बना सकते हैं। चलिए अब हम अपना काम करते हैं कम्प्लीट। तो आप लोग देख लीजिए ये कार्निश हम बिल्कुल फिनिशिंग कर दिए हैं, और ये भी देख सकते हैं कार्निश बिल्कुल सीधा है, देख लीजिए बिल्कुल कार्निश सीधा गया है, आप देख सकते हैं यहां से दिखा रहा हूं आप लोगों को। और गाइस इधर भी कार्निश जो है हमने पूरा बना के तैयार कर दिया है, उधर भी कर दिया है बना के तैयार, ये देख लीजिए।